नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आदमखोर पैंथर को सूट करने में लगी टीमों को नहीं मिली सफलता। ढोल में पिंजरा लगाने की मांग। चुंडावतों का गुड़ा में पैंथर ने किया दो बकरियों का शिकार। नांदेसमा में सड़कों पर घूम रहे हैं पैंथर। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में पैंथर्स के मूवमेंट और हमलों से लोग दहशत में है। यहाँ एक आदमखोर पैंथर भी है जिसे 19 सितंबर से पकड़ने के प्रयास जा रहे हैं। अब तो टीमें उसे ढूंढकर शूट करने में लगी है। बहरहाल सर्च ऑपरेशन की टीमों को सोमवार को भी निराशा हाथ लगी। पैंथर कहीं नहीं दिखा। उसे शूट करने के लिए 15 शूटर लगे हुए हैं, मगर कमबख्त आदमखोर दिखे तो सही, वो दिख ही नहीं रहा है। केलुओं का खेड़ा वे राठौड़ा का गुड़ा में लोगों की आवाजाही ज्यादा होने से पैंथर के जंगल से बाहर न आने की संभावना को देखते हुए सर्च ऑपरेशन की रणनीति बदली गई और सोमवार को दोपहर बाद दोनों ही गांवों में जीरो मूवमेंट कर दिया गया। जीरो मूवमेंट का मतलब किसी को भी सड़क पर बाहर नहीं निकलने दिया गया। इसके लिए सर्च ऑपरेशन में जुटी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पुलिस, राजस्व और पंचायती राज विभाग की टीमों ने दोनों गांवों के लोगों से घर घर जाकर समझाइश की और 2 बजे बाद से घरों के बाहर न निकलने की अपील की। मूवमेंट न होने के बावजूद भी शाम तक पैंथर कहीं भी नजर नहीं आया। SDM डॉक्टर नरेश सोनी ने बताया कि रविवार रात को करीब 8:30 बजे गश्त कर रही पुलिस टीम के एक जवान को पुलिया से पहले पैंथर दिखा। ये पुलिया उस जगह है जहां पर पिछले दिनों जो है पैंथर ने माँ बेटे के ऊपर हमला करने का कोशिश किया था। इस जगह पर मोहन मेघवाल नाम के व्यक्ति पर भी जो है पैंथर ने हमला करने की कोशिश की थी। रविवार की रात को इस जगह पर जब पैंथर दिखा था उस समय टीम गाड़ी के अंदर थी और टीम के एक सदस्य ने उसे देखा था। टीम कुछ कर पाती उससे पहले पैंथर दीवार फांद कर खेत में चला गया। सोमवार को पुलिया के आसपास पैंथर की खूब तलाशी की गई लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। आपको बता दें कि पुलिया के पास बड़ा पिंजरा लगा रखा है जिसमें 3 शिफ्ट में बंदूकों के साथ पुलिस के 2-2 शूटर बैठ रहे हैं। शूटर्स ने बताया कि अभी तक एक भी बार पैंथर पिंजरे के पास नहीं आया। उधर रावलिया खुर्द के चुंडावतों का घुड़ा में सोमवार दोपहर को पैंथर ने 2 बकरियों का शिकार कर दिया। जानकारी के अनुसार ये दोनों बकरियां वीरेंद्र सिंह चुंडावत की थी जो जंगल में चरने के लिए गई हुई थी। तभी पैंथर ने उनके ऊपर हमला कर दिया और 2 बकरियों का जो है शिकार कर लिया। बकरियों का शिकार कर उन्हें खाते हुए कुछ ग्रामीणों ने देखा। उसके बाद इसकी सूचना सरपंच हीरालाल गमेती वे कांग्रेस के नांदेसमा मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी को की। तो ये दोनों कई ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाने की मांग की। वहीं सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। अब देखने वाली बात होगी कि ये पैंथर पिंजरे के अंदर आता है या नहीं आता, पर बहरहाल जहां जहां भी इस तरह से पैंथर देखने में आ रहा है और मवेशियों के ऊपर हमला कर रहा है वहां वहां ग्रामीणों की मांग पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन विभाग अंततः पिंजरे लगाएगा तो कितने, यहाँ तो हर गांव में पैंथर देखा जा रहा है। अभी नांदेसमा के सड़कों पर घूम रहा है पैंथर, राहगीरों में खौफ। जसवंतगढ़ से नांदेसमा वाले रास्ते पर रात के समय आए दिन पैंथर दिखाई दे रहे हैं। कई लोग पैंथर के वीडियो बनाकर वायरल कर चुके हैं। छोटे वाहनों के गुजरने पर उसकी हेडलाइट की रोशनी में पैंथर को आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि पैंथर के द्वारा किसी पर भी हमला करने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पैंथर जो है यहाँ पर अक्सर सड़क को पार करते हुए और सड़क की पटरी के और उसके पास में आता जाता दिखाई देता है। बड़े वाहनों के गुजरने पर भी वो आराम से चलता रहता है जैसे कि सड़क नहीं वो किसी जंगल में चल रहा हो। इस मार्ग पर दुपहिया वाहनों से गुजरने वाले लोगों में खौफ है। रविवार रात को नांदेसमा के समीप भी पैंथर देखा गया। जहां पैंथर दिखा वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर गरबे का आयोजन किया जा रहा था। कैलाश पालीवाल ने बताया कि नांदेसमा के चारों ओर पैंथर घूम रहे हैं और उन्होंने कहा कि पैंथर को पकड़कर अन्यत्र छोड़ने चाहिए, वे कभी भी लोगों पर हमले कर सकते हैं। बिल्कुल कैलाश पालीवाल की बात मानी जा सकती है। पैंथर है, वन्य जीव है, इसका कुछ नहीं कह
कह सकते हैं, ये कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए ग्रामीणों में खौफ है और वो इन पैंथर्स को पकड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इधर ढोल गांव में पैंथर से दहशत में है लोग, मवेशियों को भी घरों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो ढोल गांव के कालू सिंह राजपूत ने बताया कि पैंथर लोगों पर हमले करने का प्रयास कर रहा है। अब तक 2 जनों पर वो झपट चुका है, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। विगत 6 माह में पैंथर ने मनोहर सिंह की गाय के बछड़े, रेवा शंकर की गाय, उदयलाल घायरी की बकरियां, दुले सिंह के भैंस के बछड़े, भंवर सिंह की बकरी, रूपाराम गमेती की 3 बकरियां, प्रतीक सिंह के 2 पालतू कुत्तों और उमरोद गांव के बैल का शिकार कर चुका है। उसने इंदर श्रीमाली पर हमला किया था जो अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए। गांव की मोहनी बाई राजपूत वे बेरुलाल घायरी ने बताया कि गांव के आसपास जंगल है, अभी हरी घास व झाड़ियां उगी हुई है, पैंथर रोजाना कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। पैंथर के डर से वे पशुओं को चराने के लिए बाहर नहीं ले जा रहे हैं। सीतरा डर गणी आ गई बंद कर करो बारे में लगा तो सीतरो ऊपर पड़े मगर वाला ऊपर वो पड़ी और मां बकरी भी खा दी। बेरुलाल गायरी ने बताया कि उसके पास दर्जनों भेड़ बकरियां है, रोजाना इनके लिए जंगल से पत्तियां ला पाना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ी बहुत ला पाते हैं जिनसे भेड़ बकरियों का पेट नहीं भर रहा है। 5 बकरी खाई गया, भेड़ खाई गया, ग्रामीणों ने गांव के समीप पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं सरपंच मोहनलाल गमेती ने रेंजर व जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर पिंजरा लगाकर पैंथर्स को पकड़ने की मांग की है। हमारे गांव में पैंथर का आतंक बहुत बड़ा है और गांव में किसी के मवेशी है उसको चराने के लिए ले जा नहीं सकता है, पैंथर आता है तो किसी टाइम हमला कर सकता है। पिंजरे लगाने की व्यवस्था है वो व्यवस्था करे, अन्यथा हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल करने के बाद में जो भी होगा वो प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम पूर्व में लेटर दिया था उसमें भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी और हम गाँव वालों ने मिल के और पंचायत ने मिल के ये कहते हैं हम कि प्रशासन कोई काम नहीं करेगा तो हम रोड जाम करेंगे और गाड़ी वाड़ी कोई भी जाना आना सब बंद करवा देंगे। हमारे गांव में पिंजरे लगाएंगे, उसके बाद पैंथर को पकड़ा जाएगा तो हम गांव वालों को जो भी है तो संतुष्टि मिलेगी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में कम से कम 75 पैंथर है और एक एक गांव का विवरण मैं आपको देता जा रहा हूं और एक एक गांव से ऐसी सूचना आती जा रही है कि पैंथर ने आज हमला यहाँ किया, आज वहाँ किया। और ये दूरियाँ देखिए, नांदेसमा और ढोल के बीच में बहुत दूरी है, ऐसा नहीं है कि एक ही पैंथर है जो सब जगह जा रहा है। रावलिया खुर्द और ढोल के बीच में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है और ढोल और नांदेसमा के बीच में भी अच्छी खासी दूरी है। बोखड़ा में जो हुआ था वो बोखड़ा तो 45 किलोमीटर दूर है, चावड़ावास में भी हमला हुआ था। तो पैंथर बहुत है और ये पैंथर आए कहाँ से, सवाल ये है कि एकदम से इतने पैंथर कैसे आ गए। पैंथर कुछ कुछ जगहों पे दिखते थे, तिरोल करदा में पैंथर होने की बात नई नहीं है, वहीं हम कमोल की बात करें तो वहां भी पैंथर के होने की बात नई नहीं है। मायरा की गुफा मोड़ी में भी अक्सर पैंथर दिखता रहता है, विजय बावड़ी के पास में भी पैंथर दिखता रहता है, बरसों से हम देखते आए हैं। लेकिन एकदम से हर गांव में इतने पैंथर का होना ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इतने पैंथर यहाँ कैसे आ गए। आ रहा है, पकड़े कहीं जाए, कोई आवाज नहीं है।